देखिए आप कितने अच्छे सूजी और मावा के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं, बिल्कुल ऐसे कि मुंह में जाते से ही घुल जाए ये लड्डू। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ सूजी और मावा के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रवा और खोवा के लड्डू भी कह सकते हैं आप इसे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं सूजी मावा के लड्डू। सूजी मावा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे। गैस पर पैन चढ़ा दिया है तो इसमें डालते हैं घी, शुद्ध देसी घी है। घी पिघल चुका है तो इसमें डाल देते हैं ये सूजी। एक कटोरी सूजी ली हमने, इसे डाल लेते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें सूजी को भून लेना है बहुत अच्छी तरह से। जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए तब तक भून लेंगे इसे। लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे। देखिए सूजी भून चुकी है, लगभग 8 से 10 मिनट हो चुका है हमें इसे लो फ्लेम पर भूनते हुए। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है सूजी से। बस बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अगर हम इसे ज़्यादा भूनेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। सूजी को निकाल लेते हैं, एक बड़ी परात ले ली हमने, इसमें निकाल लेते हैं इसे। अब इसी पैन में हमने ये मावा लिया है, एक कटोरी होममेड मावा है ये, इसे भी भून लेंगे। लो फ्लेम पर इसे भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। ये होममेड मावा है, हमने इसे घर पर ही बनाया है। होममेड मावा में घी का परसेंटेज ज़्यादा होता है और जो हम मार्केट से लेकर आते हैं वो थोड़ा मिक्स होता है। तो देखिए मावा भी भूनकर तैयार हो चुका है, बस बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसे, नहीं चलाएंगे ज़्यादा। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इस सूजी में हम मावा को भी निकाल लेते हैं, इसी में डाल लेंगे इसे भी। देखिए सारा मावा हमने इसमें निकाल लिया है, तो अब इसे सूजी में मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। परात थोड़ी छोटी पड़ रही है इसलिए हम इसे एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं इसे। बहुत अच्छी तरह से सूजी और मावा को मिला लेना है हमें। देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है, सूजी और मावा दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अभी ये बहुत गर्म है, सूजी और मावा दोनों बहुत गर्म है, इसलिए अभी हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, चीनी नहीं मिलाएंगे। हमने चीनी पीस कर तैयार करके रखी है, हमें इसमें साबुत चीनी नहीं मिलाना है। चीनी को पीस लीजिए, पीसी हुई चीनी मिलाएंगे हम, तो अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि अगर अभी मिला देंगे तो ये गीला हो जाएगा और लड्डू बनाते नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए अभी ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का सा गर्म है अभी। तो अब हम इसमें मिलाते हैं, ये हमने चीनी को पीस कर ले लिया है, पीसी हुई चीनी है, इसे डाल लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी ऐड करिए और अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी डालिए। साथ में हम इसमें ये डालेंगे इलायची और लौंग का पाउडर बनाकर रखा था, इसे डाल लेते हैं। मिला लेते हैं आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। तो देखिए मिला लिया है, सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। चलिए लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से लेते हैं यहाँ से लड्डू, आपको जैसे भी बड़े छोटे बनाने हैं आप बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए आप कितनी अच्छी तरह से लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए लड्डू बनकर तैयार हो चुका है, रख लेते हैं इसे। हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सूखा हुआ नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं हम ये लड्डू। तो देखिए सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हमने, सूजी मावा के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने हैं। इन्हें आप त्योहारों में बना सकते हैं, ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से सूजी मावा के लड्डू मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए आप, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।